हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनरन और स्वागत है आपका क्लास 2+ यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में के करंट अफेयर्स में हम लोग 23 अप्रैल की करंट अफेयर्स देखेंगे, कल की अखबार के सेशन में। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अवता मित्र हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर एंड एन एप्लीकेशन टू एम्पावर टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस पेंडेमिक। इस कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपता मित्र हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर और एक एप्लीकेशन का लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं आपके आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। अपता मित्र जो है हेल्पलाइन सर्विस है जो सुबह आठ बजे से रात को आठ बजे रात तक की सर्विस प्रोवाइड करेगी, जिसमें यानी 12 घंटे की सर्विस प्रोवाइड करेगी। आपता मित्र नंबर जो है 1444410, ये हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। और ये जो है आपके बेंगलोर, मैसूर, बंटवाल और मैंगलोर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में अभी ओपन किया गया है। ओके, आपता मित्र जो हेल्पलाइन नंबर है ये 4 स्टेट को कवर, ये सभी स्टेट के सभी पार्ट को कवर करेगा। इसके 2 टीयर, अपता मित्र इज ए 2 टीयर सिस्टम, ये 2 टीयर सिस्टम है। एक तो आयुष वाले सिस्टम को, जो आयुष ऐप है जो हम लोगों ने आयुर्वेदिक योगा न्यूट्रोपैथी यूनानी एंड सिद्धा एंड होम्योपैथिक, इसको और नर्सिंग एंड फार्मा फाइनल ईयर स्टूडेंट वॉलेंटियर्स इसमें करेंगे। MBBS इंटीग्रेटेड मेडिसिन और आयुष फ्रॉम रिस्पेक्टिव लोकेशन ऑन द सेकेंड ईयर फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ये जो रहेंगे MBBS के स्टूडेंट रहेंगे, इंटीग्रेटेड मेडिसिन और आयुष के जो और लोग वॉलेंटियर रहेंगे, वो क्या करेंगे, वो रिस्क मैनेजमेंट, काउंसलिंग और टेली मेडिसिन और रेफरल फॉर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के लिए रेफर करते रहेंगे। तीसरा आगे देखते हैं, तीसरा जो है ये जो हेल्पलाइन नंबर है, द हेल्पलाइन इज टू रीच टू द पीपल इन द कोरोना हॉटस्पॉट एरियाज। ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये कोरोना हॉटस्पॉट एरिया तक के आइडेंटिफाई करेगा इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस को, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड कोरोना लाइक सिम्टम्स, इसके जो भी सिम्टम्स होंगे उसको ये क्या करेगा, वहाँ तक के लोगों तक ये पहुँच इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए पहुँचा जा सकता है। इसके बाद वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद यदि कोरोना से के रिलेटेड कोई भी सिम्टम पाया जाता है तो उसको आगे आपको फॉरवर्ड कर देंगे सेल्फ क्वारंटाइन के लिए, या फिर यदि हाई रिस्क है तो कुछ है, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके बोलेंगे सेल्फ क्वारंटाइन हो जाइए, या फिर आपको कोरोना के स्क्रीनिंग टेस्टिंग के लिए, COVID-19 के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको भेज देंगे, ठीक है। तो ये जो द सिस्टम प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू एनालाइज द इंसिडेंस एंड हेल्प इन डिसाइडिंग द ग्रेडेड रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन टू कंटिन्यू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, आगे देखते हैं। देखिए तो ये जो सिस्टम है ये किसके द्वारा ऑन किया गया है, ये जो सिस्टम है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये एक्वायर किया गया है, और इसके अंडर द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज बेंगलुरु। ओके, नैसकॉम के द्वारा, ठीक है। इन्फोसिस की एक यूनिट है BPM, ठीक है, एक सब्सिडरी है। ये क्या करती है, ये एप्लीकेशन को डेवलप की है, और इसने क्या किया है, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट इन्होंने प्रोवाइड किया है। आइए नैसकॉम के बारे में जान लेते हैं। नैसकॉम जो है एक नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज है, जिसको देवांग मेहता और नंदन नीलेकानी ने इसको बनाया था। चेयरपर्सन जो है अभी इसके UB प्रवीण राव हैं, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और फाउंडेड ये बनाया था 1 मार्च 1988 को। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू CII द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, बाय हाउ मच परसेंट इंडिया GDP विल ग्रो इन द करेंट फिजिकल यानी फिजिकल ईयर 2021 पोस्ट द लॉकडाउन पीरियड। लॉकडाउन पीरियड के बाद CII के अनुसार लॉकडाउन पीरियड के बाद जो भारत का जो GDP होगा वो कितना परसेंट ग्रो कर सकता है। इसके ऑप्शन है 1.5%, 1%, 1.8%, 0.9%, 0.6%। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है, देखिए 1.5% ग्रो कर सकता है। इसके लिए CII ने कुछ सजेशन दिए, आइए सजेशन देखते हैं। देखिए 1.5% तक तो ग्रो कर सकता है इंडिया का
इंडिया का जो जीडीपी है, लेकिन इसके लिए कुछ सजेशन है। वो सजेशन क्या है, अभी हाल ही में जनधन योजना के तहत जनधन आधार मोबाइल के तहत 1.7 लाख करोड़ इन्फ्यूज करने के लिए बात की गई थी, तो उसकी जगह पे उन्होंने बोला है कि 2 लाख करोड़ कैश ट्रांसफर करना पड़ेगा टू प्रोवाइड एडिशनल वर्किंग कैपिटल लिमिट टू बैंक इक्विवेलेंट टू अप्रैल जून वेज बिल ऑफ द बोरोवर्स बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटीड एट 4.5 4 to 5% इंटरेस्ट। बोला गया है कि 4.4 to 5% इंटरेस्ट पे क्या करना पड़ेगा, एडिशनल आपको कैपिटल देना पड़ेगा बैंक को ताकि वे आगे काम कर सकें। द क्रिएशन ऑफ फंड फॉर और स्पेशल पर्पज व्हीकल विद कॉर्पस ऑफ 1.5 लाख करोड़ विच विल बी सब्सक्राइब टू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और बॉन्ड ऑफ रेटेड कंपनी कॉर्पोरेट्स और एंड अबव। बोला गया है कि देखिए कि फंड क्रिएशन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए व्हीकल के थ्रू का 1.5 लाख करोड़ का फंड क्रिएट करने के लिए विद नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और बॉन्ड के लिए वो रेटेड कॉर्पोरेट जैसे आप रिलायंस ले सकते हैं, टाटा ले सकते हैं, ऐसे कॉर्पोरेट्स को देने की बात की जा रही है। द फंड कैन बी रेज बाय कॉर्पस कंट्रीब्यूटेड बाय अ कॉर्पस कंट्रीब्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ रुपीज 10,000 to 20,000 करोड़ विद फर्दर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अमंग अदर। दिस विल लिमिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपोजर वाइल प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लिक्विडिटी टू द इंडस्ट्रीज। आगे देखते हैं, अ क्रेडिट प्रोटेक्शन स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री। बोला गया है कि माइक्रो और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट प्रोटेक्शन स्कीम लाना पड़ेगा जिसमें RBI क्या करे, यदि मान लीजिए बॉरोवर यदि डिफॉल्टर घोषित हो कर देता है तो RBI अपना बाय द लोन एंड रीपैक टू बैंक टू 70 to 80% ऑफ द लोन, जिससे RBI क्या करे 70 to 80% लोन पे कर पाए विच लिमिट द रिस्क टू द लेंडर। आगे देखते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI को ये गारंटी देना पड़ेगा, गारंटी ऑफ लोन टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, वाइल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो नाबार्ड है उसको गारंटी देना पड़ेगा एग्रो प्रोग्रेसिंग सेक्टर के लिए। तो ये दोनों जो बैंक है काम करती हैं, ठीक है, ये जो हमारी दो यूनिट है SIDBI और नाबार्ड, इनको भी मतलब इन लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा तब जाके हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच नेशनल प्रोग्राम MHRD हैज रोल्ड आउट टू इन्वाइट ई लर्निंग कॉन्टेंट कंट्रीब्यूशन एज द रिक्वायरमेंट ऑफ ई लर्निंग कंटेंट फॉर स्टूडेंट हैज इंक्रीज इन द बैकड्रॉप ऑफ सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। देखिए इस COVID-19 पेंडेमिक में क्या हुआ कि स्टूडेंट का जो डिमांड बढ़ गया कि कंटेंट के लिए, तो इन्होंने क्या किया कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया है ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन, जिसमें कोई भी यदि जो मतलब वेल नोन प्रोफेसर्स हैं वो अपनी या जो टीचर्स हैं वो अपने कंटेंट को दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है ये बताना है, तो देखिए ऑप्शंस है विद्यादान 2.0, ई पाठशाला, स्वयं, NREOE, स्वयं प्रभा, ये पांच ऑप्शंस है। देखते हैं करेक्ट आंसर है, देखिए इसका विद्यादान 2.0। देखिए नेशनल प्रोग्राम जो है ये ह्यूमन रिसोर्स यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशाक के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ये 23 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, टू इनवाइट ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन एज द रिक्वायरमेंट ऑफ ई लर्निंग कंटेंट फॉर द स्टूडेंट हैज इंक्रीज इन द बैकड्रॉप ऑफ द सिचुएशन अराइजिंग आउट COVID-19 पेंडेमिक। विद्यादान जो है ये कॉमन नेशनल प्रोग्राम है फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द नेशन टू डोनेट और कंट्रीब्यूट ई लर्निंग रिसोर्सेज फॉर स्कूल एज वेल एज हायर एजुकेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूटी ऑफ क्वालिटी लर्निंग। दिस डोनेटेड शेयर्ड कंटेंट विल बी यूटिलाइज ऑन दीक्षा ऐप। ये देखिए ये जो कंटेंट विद्यादान 2.0 पे जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो दीक्षा ऐप पे ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अदर ऑप्शन के बारे में जानते हैं, देखिए ई पाठशाला के बारे में जानते हैं, ठीक है।
अच्छा देखिए, ये जो ई पाठशाला है, स्वयं है, NREO है, तो इसको यूज किया जाता है सगुन, ये सगुन प्लेटफॉर्म पे यूज किया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ई पाठशाला है, ई पाठशाला क्या है, ई पाठशाला जो देखते हैं कि ये जो है ये भी वेब पोर्टल है फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 12 विल बी एबल टू एक्सेस नो नंबर नो लेस देन 1886 ऑडियोज क्लिप हैं, 2000 वीडियोज क्लिप हैं, 969 ई बुक्स हैं और 554 फ्लिप बुक्स हैं। द डिजिटल रिपॉजिटरी हैज बीन मेड अवेलेबल बाय द एनसीईआरटी, ये जो एनसीईआरटी के द्वारा, टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट डो नॉट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू बी टॉट इन क्लास। ई पाठशाला इज ऑल्सो अवेलेबल इन सेवरल लैंग्वेजेज लाइक अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए ये जो वेब पोर्टल है इसको दो लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सेस भी किया जा सकता है। ओके, अदर ऑप्शन देखते हैं। देखिए नेशनल रेस्पिरेटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स NREOR, इसमें क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया विल गेट एक्सपोजर ऑन ई लाइब्रेरी टू ई लाइब्रेरीज, ई बुक्स, ई कोर्सेज, चांसेस टू पार्टिसिपेट इन इवेंट ऑनलाइन, ऑनलाइन जो इवेंट होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड थीम बेस्ड एजुकेशन। यदि इसके लिए कोई स्टार एनरोल फॉर द NREO स्टार्ट लर्निंग लेसन दैट आर टफ इन द क्लासरूम, देखिए इस प्लेटफॉर्म पे आप वो सभी लेसन को रीड कर सकते हैं जो क्लासरूम में बहुत टफ होते हैं, उसको बहुत इजीली तरीके से आप देख सकते हैं। इसका फीचर क्या है, थ्रू देखिए फीचर क्या है, इसमें असाइनमेंट भी, टेस्ट और असाइनमेंट भी इसमें मिलते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिपोजिटरी ऑफ 2779 डॉक्यूमेंट्स हैं, 1345 इंटरेक्टिव, 1664 ऑडियोज, 2586 इमेजेज एंड 6153 वीडियोज हैं, ठीक है। एट डिफरेंट लैंग्वेजेज इज अवेलेबल फॉर यू टू एक्सेस, डो नॉट मिस आउट द चांस ऑफ सेल्फ लर्निंग। तो देखिए इसमें ये इनहेंस करने के लिए ये बात बोली गई है, ठीक है, कि आप यदि इस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए स्वयं ऐप जो है, ये स्वयं ऐप क्या है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था फॉर परसुइंग एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 to 12, ये 9 से 12 के लिए। देखिए अब देखिए पीछे के ऑप्शन में, पीछे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए ये जो है ये पाठशाला है, ये भी A1 से 12 तक है, ये आपका विद्यादान 2.0 जिसको हम लोग यूज करेंगे दीक्षा ऐप पे, ये भी 1 से 12 तक है, लेकिन दोनों में फर्क समझ लीजिए, एक वेब पोर्टल है एक ऐप है। स्वयं जो है इनिशिएट, देखिए गवर्नमेंट 9 to 12 के लिए किया गया था, एस्पायरिंग सीकिंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल डिग्री, स्वयं फैसिलिटी स्टडी मटेरियल एट वन डेस्टिनेशन, स्टडी स्टूडेंट कैन एक्सेस स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर, रीडिंग मटेरियल, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ऑनलाइन डिस्कशन एंड डाउट सेशन। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, रीडिंग मटेरियल मिलेगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिलेगा, ऑनलाइन डिस्कशन होगा और डाउट सेशन होगा, ये 5 चीजें इसमें शामिल की गई हैं। स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा जो है DTH के थ्रू पढ़ाई होगा, जिसमें टीवी को यूज करेगा, 32 DTH चैनल है जिसमें 24/7 एवरीडे आपको क्लासेस चलते हैं। एक एक जो कंटेंट, एवरी न्यू कंटेंट ऑफ एटलीस्ट 4 आवर ड्यूरेशन इज फ्लॉटेड ऑन द वेबसाइट विच रन 5 टाइम्स इन ए डे, जो एक बार, एक दिन में 5 बार चलाया जाता है। टॉप एजुकेशन बॉडी ऑफ द नेशन सच एज NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NEOS प्रोवाइड कंटेंट टू इन्फ्लिमेंट सेंटर्स विच रन्स दी चैनल्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 12 एंड अंडर ग्रेजुएट एंड PG लेवल एस्पायरेंट कैन गेट एक्सेस। अब देखिए इसके लिए, इस लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, DTH के ऊपर आपको DD चैनल को रिचार्ज कराना पड़ेगा और ये चैनल की डिमांड करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा है कि आप टीवी देखते देखते पढ़ाई कर सकते हैं। विच इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी हैज बीन सेलेक्टेड बाई इजराइल मिनिस्टर ऑफ फिनांस टू ट्रांसफॉर्म इट्स बैंकिंग सेक्टर, देखिए भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी को चूज किया, सिलेक्ट किया गया है इजराइल फिनांस मिनिस्टर द्वारा अपने बैंकिंग सेक्टर को, इजराइल के बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। ऑप्शन है TCS, विप्रो, इंफोसिस, SCL एंड टेक महिंद्राज, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। देखिए करेक्ट आंसर है TCS। देखिए TCS जो है इंडिया की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस फर्म है, और इन्होंने क्या किया है,
ये लॉन्च करेंगे इजराइल, फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक इज टू बी लॉन्च इन 2021। ये 2021 तक क्या करेंगे, इजराइल की फर्स्ट डिजिटल बैंक लॉन्च करेंगे, ठीक है, और ये सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो TCS वॉज सेलेक्टेड, देखिए अब ये क्यों सेलेक्ट किया गया, बैंकिंग सर्विस ब्यूरो दैट वुड शेयर्ड एज दैट वुड सर्व एज शेयर्ड प्लग एंड प्ले डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन प्लेटफॉर्म पावर्ड बाई TCS, TCS बैंकिंग सर्विस बैंकिंग TCS बैंक NCS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू हेल्प स्टार्टअप बैंक लॉन्च देयर ऑपरेशन वेरी क्विकली। देखिए TCS की एक सर्विस है, बैंकिंग सर्विस को के लिए ये काम करते हैं लोग, तो वही उसी प्लेटफॉर्म पे ये लोग इनको ये सर्विसेज देने हैं। और इस ये एक ऐसा डिजिटल सर्विस बनाएंगे जिससे क्या होगा कि उसके थ्रू सब कुछ होगा, कैश डिपॉजिट होगा, विड्रॉल्स होगा, लोन दिया जा सकता है, ठीक है, उसकी इंक्वायरी की जा सकती है, A to Z, मतलब A to Z जितनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो सब मिलेगा, डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड तक सब A to Z सर्विसेज, ठीक है। अब देखिए इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूशलम, करेंसी जो है इजराइली न्यू शकेल है, और प्राइम मिनिस्टर इजराइल के है बेंजामिन नेतानियाहू, ठीक है। और देखिए जो TCS के जो नए चेयरमैन है वो है नटराजन चंद्रशेखरन, ये TCS के नए चेयरमैन है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IMMA इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ऑप्शंस है विजय शेखर शर्मा, भाविश अग्रवाल, मुकेश बंसल, राकेश शर्मा एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है TCS के, राकेश शर्मा जो है ए टी सी सॉरी राकेश शर्मा जो है IMMA के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, और देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। देखिए तो ये क्या इन ये 2 साल के टेनियर के लिए चुने गए हैं, और ये IIMA पे वाइस प्रेसिडेंट के पद पे 2019 से थे, और ये रिप्लेस करेंगे जोहानेंस लोमन को जो डायरेक्टर ऑफ PT ऑस्ट्रा इंटरनेशनल TB के एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर ऑफ PT ऑस्ट्रा होंडा मोटरसाइकिल इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। अब देखिए विजय शेखर शर्मा के बारे में जान लेते हैं। विजय शेखर शर्मा जो है ये चेयरमैन एंड फाउंडर हैं पेटीएम के, ठीक है, ये विजय शेखर शर्मा है। भाविश अग्रवाल जो है को फाउंडर हैं ओला कैब के, ठीक है, और मुकेश बंसल के बारे में आप लोग जानते हैं, मुकेश बंसल जो हैं को फाउंडर हैं मिंत्रा के, ठीक है, और राकेश शर्मा के बारे में आप लोग समझ ही गए कि ये प्रेसिडेंट अभी चुने गए हैं IMMA इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ओके आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IM बैडमिंटन कंपेन बाई BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, किसे IM बैडमिंटन कंपेन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। PV सिंधु, सायना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, अश्वनी पोनाप्पा, श्रीकांत किदाम्बी। तो ऑप्शन देखते हैं, करेक्ट आंसर है PV सिंधु। अब देखिए यहाँ पे PV सिंधु को चुना गया था IM बैडमिंटन कंपेन के लिए, IM क्लीन ऐसे करके ऑप्शन, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आप ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है कोलालमपुर जो मलेशिया में है। आप हमें बताएंगे कि कोलालमपुर मलेशिया में एक हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन एक डे मनाया गया, तो वो कौन सा डे मनाया गया ये आप हमें बताएंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी वो 5 जुलाई 1934 को हुई थी। अभी बैडमिंटन प्रेसिडेंट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के पॉल एरिक होयर लार्सन, पॉल एरिक होयर लार्सन ये प्रेसिडेंट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, वास्करो ऐप इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग IIT। वास्करो ऐप एक लॉन्च किया गया है, किस IIT के द्वारा लॉन्च किया गया है बताना है। IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIIT दिल्ली, IIT खड़गपुर और नन ऑफ दिस। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए करेक्ट आंसर है IIT दिल्ली। देखिए IIIT दिल्ली का फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जो मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है ये कंटेनमेंट वॉस करो ये कंटेनमेंट जोन में जो भी पर्सन है उनको हेल्प आउट करने के लिए किया गया है, ठीक है,
और इसमें पेंडेनिक जेनुइन और फेक है जो भी इसमें आइटम्स होंगे उसको भी इसमें बताया गया है। और इसमें कोई इंटरनेट टेक्नोलॉजी का नहीं यूज किया गया है, ये सिर्फ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, आइए आगे आते हैं। अब देखिए, आई 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 टी दिल्ली के डायरेक्टर जो कौन है, वो रंजन बोस हैं। ठीक है, रंजन बोस आप लोग ऐड कर लीजिएगा, रंजन बोस, BOS बोस, ये हैं इनके डायरेक्टर। तो आज के सेशन में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट डे और डेट्स के बारे में, जो अप्रैल महीने में इंपॉर्टेंट डे और डेट्स हैं। तो पहला देखते हैं, पहले तीन है, अप्रैल फुल, 1 अप्रैल को मनाया जाता है, 4 अप्रैल को नेशनल माइन अवेयरनेस डे मनाया जाता है, 5 अप्रैल को नेशनल मैरिटाइम डे मनाया जाता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, 10 अप्रैल को सिबलिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है, 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है, 12 अप्रैल को ईस्टर फेस्टिवल डे मनाया जाता है, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग मैसेकरे डे मनाया जाता है, फिर 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है, जो कि एक ब्लड डिसऑर्डर डिजीज है, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। आगे देखते हैं, 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज डे भी, इंग्लिश लैंग्वेज डे भी इसी दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, और स्पेनिश डे भी इसी दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व किया जाता है, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया जाता है, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क्स ये मनाया जाता है, और 28 अप्रैल को एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटरनरी डे, और 38 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, 38 अप्रैल को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाएगा, आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल महीने के, जिसे आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। आप हमारे अपने कोई भी डाउट्स classtubeplus@gmail.com पे भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें।